ट्रियो का नया मॉडल है, ट्रियो प्लस, जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है ट्रियो प्लस। तो इसमें आपको सब कुछ ज़्यादा ही देखने को मिलेगा, इसका रेंज भी बहुत ज़्यादा है और इसमें आपको वारंटी भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, साथ में इसका बैटरी पैक भी बहुत ज़्यादा है और इसका एक शोरूम कीमत भी बहुत ज़्यादा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में और मैं आज आपको महिंद्रा का जो नया वर्जन आया है ट्रियो प्लस उसके दिखा रहा हूँ। हमारे एक भाई ने उसको लिया है, ये देख लीजिए, ये है ट्रियो प्लस और मेरा ट्रियो तो यहाँ लगा हुआ है और ये है हमारे भाई का नया ट्रियो। ट्रियो और ट्रियो प्लस में दोनों में सेम है, मात्र इसका रेंज ही ज़्यादा है। मेरा ट्रियो चलता है 130 किलोमीटर और भाई का चलता है 150 किलोमीटर और इसमें आपको बैटरी में ये भी 48 वाट का ही बैटरी है, देख लीजिए इसका बैटरी। और ये जो आप गोलाकार देख रहे हैं ना, यहाँ से बैटरी का जो गर्म हवा है उसको बाहर निकालता है और इसमें मोटर कैपेसिटी भी उतना ही है, 8 वाट का मोटर ही है। इसमें आप 3 सवारी प्लस ड्राइवर, यानी कि टोटल आप इसमें 3 सवारी बिठा सकते हैं, लेकिन हम लोग तो इसमें 7-8 सवारी भी बिठा देते हैं। और अभी मैं आपको भाई का डिस्प्ले दिखा देता हूँ, देख लीजिए अभी भाई के गाड़ी में हम 101 किलोमीटर जा सकते हैं और इसका गाड़ी चल गया है 2851 किलोमीटर और इसका बैटरी परसेंट अभी 2 ही दिखा रहा है। और जब आप इसको पूरा फुल चार्ज करेंगे ना दोस्तों, तो यहाँ पे 150 दिखाता है, क्योंकि इसका रेंज है सिंगल चार्ज में चलता है या 150 किलोमीटर चलता है। और इसका चार्जिंग टाइम भी उतना ही है दोस्तों, 3 घंटे 50 मिनट इसमें भी लगता है और ट्रियो में भी उतना ही चार्जिंग टाइम लगता है, 3 घंटे 50 मिनट। और इसमें सबसे अच्छा चीज़ है इसका रेंज बहुत ज़्यादा है, देख लीजिए यहाँ पर भी आपको ट्रियो का ब्रांडिंग मिल जाएगा। इसका लुक तो दोनों का सेम ही है, दोनों ऑटो सेम है, मात्र इसमें आपको रेंज ज़्यादा मिलता है और इसका प्राइस भी बहुत ज़्यादा है। इसका शोरूम कीमत है लगभग 3,65,000 के पास और इसका टायर साइज भी सेम है, 3/75-12 का टायर है इसका, 3/75-12 का इसका टायर साइड है। इसका चारों टायर सेम ही है और इसमें अपने को हाइड्रोलिक ब्रेक मिलता है, ये इसका ब्रेक, ये इसका हैंड ब्रेक, देख लीजिए इसका हैंड ब्रेक। यानी कि ट्रियो में और ट्रियो प्लस में अंतर कुछ नहीं है, मात्र उतना ही अंतर है, इसका बैटरी कैपेसिटी ज़्यादा है, इसमें आपको रेंज ज़्यादा देखने को मिलेगा और उसके अनुसार से इसका कमाई भी इसमें आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। हमारा ट्रियो, मेरा ट्रियो इधर खड़ा हुआ है जिसका रेंज 130 है और महिंद्रा ने अभी इसको नया वर्जन निकाला है ट्रियो प्लस जिसका रेंज है 150 किलोमीटर दोस्तों। और इसमें भी आपको 1,00,000 किलोमीटर का या तो फिर 3 साल का वारंटी मिलता है, जो भी इसमें आपको पहला हो जाए। लेकिन इसका सबसे अच्छा चीज़ है, इसका आप वारंटी को आप बढ़ा सकते हैं, इसको आप वारंटी को आप 5 साल कर सकते हैं, ये सबसे अच्छा चीज़ है। और यह देख लीजिए ट्रियो का प्लस का ब्रांडिंग और भाई ने अभी इसको नया लिया है, इसमें सीट वगैरह नहीं बनाया है और गाड़ी देखने में बहुत प्यारा लगता है। लेकिन अब मैं बोलूँगा ट्रियो लेने से अच्छा है अब आप ट्रियो प्लस लीजिए दोस्तों, क्योंकि इसमें आपको ज़्यादा कमाई मिलता है, क्यों इसमें आपको ज़्यादा रेंज भी मिलता है और ज़्यादा वारंटी भी मिलता है। और इसमें जो आपको चार्जर मिलता है, नया चार्जर मिलता है जिसका 3 वाट का चार्जर मिलता है। और हाँ, दोनों गाड़ी का हाइट वेट, इसका वेट ज़्यादा है, इस टोटल गाड़ी का वेट है 413 केजी और मेरा गाड़ी का टोटल वेट है 377 केजी के पास। यानी कि इसमें आपको गाड़ी का वजन ज़्यादा मिलता है लेकिन कैपेसिटी उतना ही मिलता है, इसमें भी आप 300 केजी तक का सामान ले जा सकते हैं, उसमें भी आप 300 केजी तक का सामान ले जा सकते हैं, लेकिन ट्रियो प्लस ज़्यादा बेटर है ट्रियो से। तो मेरा कहना है दोस्तों, अगर आपको गाड़ी लेना है ई रिक्शा तो ट्रियो प्लस ही लीजिए, क्योंकि इसमें आपको रेंज ज़्यादा मिलता है, वारंटी भी ज़्यादा मिलता है। हाँ, इसका रेट भी बहुत ज़्यादा है, इसका शोरूम कीमत है 3,65,000 के पास। तो यह है दोस्तों ट्रियो प्लस, आपको गाड़ी कैसा लगा कमेंट करके बताना। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।